नमस्ते जी। आदरणीय प्रधानमंत्री को मेरा सादर प्रणाम। मैं पटना आनंदपुरी से हूँ और पिछले 8 महीने से जन औषधि की दवा ले रही हूँ। साथ ही साथ इतनी कम पैसे में मुझे जो दवाई प्राप्त हो रही है वो मैंने दूसरे परिवार को भी बताया, वो लोग उससे भी लाभान्वित हुए। मैंने बोला कि मैंने जैसे आपको बताया आपको लाभ प्राप्त हो रहा है, वैसे भी आप और आदमी को बताएं जिस तरह से आपको पैसे की लाभ प्राप्ति हुई है और दूसरे को भी वैसे ही लाभ मिले। और हमारे प्रधानमंत्री जी का ये जो जन औषधि परियोजना है वो दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ती रहे। हिल्दा जी, जरा ये बताइए कि आपको ये सबसे पहले जन औषधि केंद्र के बारे में कहां से जानकारी मिली? हमारे एक फैमिली फ्रेंड है डॉक्टर, तो मेरे बीपी और शुगर की दवा महीने की 1500 से 1600 रुपए की आती थी, तो उन्होंने कहा कि जन औषधि से आप लेंगे तो 200-250 रुपए में मिल जाएगी। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने जब आनंदपुरी के जन औषधि केंद्र से दवा लिया तो मुझे 250 में कैल्शियम के साथ बीपी और शुगर के महीने भर की दवा मिली। मुझे तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने तो आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद दिया और जो इसे लाभ उठा रहे हैं वो मुझे धन्यवाद दिया। तो मैंने कहा कि धन्यवाद की हकदार मैं नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनको धन्यवाद दीजिए, उनका ये योजना सफल हो रहा है। बस हिल्दा जी, एक मोटा मोटा अगर अनुमान लगाना है कि जन औषधि के पहले भी आपको दवाइयां लेनी पड़ती थी, तब भी जरूरत थी, अब जन औषधि से लेते हैं, दवाइयां तो क्वालिटी में कोई फर्क नहीं होता होगा, आपको संतोष है दवाइयों से? बहुत संतोष है। मुझे लोगों ने कहा कि दवा सरकारी है, सस्ती है, कारगर नहीं होगी, तो मैंने कहा कि मैं 8 महीने से दवा ले रही हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा शुगर बीपी लेवल सब सही है, तो आप लीजिए, देखिए, विश्वास उसमें कीजिए, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी का जो ये परियोजना है कि सभी लोगों तक इसका लाभ पहुंचे, यही हम लोग की कामना है। औसत कितने रुपए बच जाते हैं आपका परिवार जो पहले दवाइयां लेता था और अब जन औषधि से लेता है, तो महीने का कितना रुपया बचता होगा? पहले मुझे 1500-1600 रुपया लगते थे, अभी मुझे 250 से 300 रुपया लगते हैं, तो बाकी जो बचे पैसे हैं उसको मैं सोशल सर्विस कॉज पे लगाती हूँ। हिल्दा जी, एक तो बड़ा आपने दवा नहीं खरीद पाते थे, जो दवा नहीं खरीद पाते थे गरीब लोग, उनको मैं बताई कि तुम जाके दवा ले सकते हो और तुम्हारे रीच में है, तुम अफोर्ड कर सकते हो अपने जो कम इनकम में, तो वो आके मुझे धन्यवाद देते। मैं मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे कि वो और उनका जो ये परियोजना है आगे और बढ़ता रहे। नहीं, आपने कहा 1200-1500 रुपया हर महीना बच जा रहा है और वो आप समाज सेवा के लिए खर्च कर रही हो, ये सुनकर के तो मुझे पक्का विश्वास है कि जो हमारे मध्यम वर्गीय परिवार है और निम्न मध्यम वर्गीय परिवार है उनको जरूर आपके इस योजना से, आपका जो इनिशिएटिव है, बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी। और मुझे पक्का विश्वास है कि जो लोग जन औषधि केंद्र में जाते होंगे उनको अब लगता होगा कि पहले सरकारों ने ऐसा क्यों शुरू नहीं किया, अब ये शुरू हो गया तो अच्छी दवाइयां मिल रही है, सस्ती दवाइयां मिल रही है, ऐसा एक विश्वास पैदा हुआ है। बहुत पैदा हुआ है और मैं उन लोगों के माध्यम से आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन लोग इतने आशीर्वाद आपको दिए हैं और बोले हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं ऐसा ही वो कार्य करते रहे हम लोग के लिए, निम्न वर्गीय परिवार के लिए, तो हम बोले कि
ये तो संभव है, ये तो एक दवा मात्र है, और जो आप नहीं खरीद पाते थे, सोचते नहीं थे कि महंगी दवा है कैसे होगी। तो जरूरी नहीं है कि महंगी दवा अच्छी है और सस्ती दवा खराब होती है। मैं 8 महीने से, मैं बोली सभी को कि एग्जाम्पल ले लो, मैं 8 महीने से यूज कर रही हूँ और मेरा ब्लड शुगर सभी सही। तो मैं फिर से आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। देखिए हिल्दा जी, आप जैसे पढ़े लिखे परिवार से लोग जब ये दवाई की ताकत के विषय में लोगों को बताते हैं तो लोगों का विश्वास बहुत बढ़ता है, और मध्यम वर्ग के लोग इसको ज्यादा से ज्यादा विश्वास पैदा करने का काम कर सकते हैं, क्योंकि मध्यम वर्ग का परिवार में कुछ ना कुछ पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो जब बताते हैं तो सब लोग विश्वास करते हैं। और हमारी सरकार को एहसास है कि देश के गरीब और मध्यम वर्ग के खर्च का एक बड़ा हिस्सा, अगर परिवार में एक बीमारी आ गई तो परिवार के सारे सपने ठहर जाते हैं, कभी कभी तो सपने चूर चूर हो जाते हैं। लेकिन अगर दवाइयां सस्ती हैं, और हम जानते हैं कि कितना ही बड़ा डॉक्टर को देने वाला पैसा, ऑपरेशन का खर्चा, उससे ज्यादा दवाइयों का खर्चा होता है। अगर दवाइयां सस्ती हो जाए तो हमारे डॉक्टरों को भी एक प्रकार से लाभ ही होगा, क्योंकि पेशेंट दवाइयों के खर्च के बोझ के कारण कभी ऑपरेशन नहीं करवाता है, तो डॉक्टरों को भी लाभ है, पेशेंट को भी लाभ है, और हम स्वास्थ्य के दृष्टि से बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। हमारी कोशिश यही है कि हम देश के मध्यम वर्ग को, निम्न मध्यम वर्ग को और गरीब को दवाइयों पर होने वाला खर्च कम कर सके। इसी दिशा में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। मैं आप जैसे संपन्न और मध्यम वर्गीय पढ़े लिखे परिवार, वे ज्यादा से ज्यादा जन औषधि का प्रचार करेंगे, स्कूलों में जाके बच्चों को बताएं, बच्चे अपने माँ बाप को बताएं, एक पूरा सिलसिला चला, क्योंकि सरकार ने व्यवस्था कर दी, उपलब्ध है, लेकिन लोग पहुंचते नहीं, क्योंकि उनके मन में लगता है यार इतना फर्क है तो पता नहीं क्या होगा। तो आप जैसे लोग अनुभव से बताएंगे तो जरूर फायदा होगा। हिल्दा जी आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू, धन्यवाद सर।